बाबू किसी कारणवश यहाँ किसी दो किसी में भी कभी कुछ संघर्ष हो जाए तो भी हम कहते हैं पहले आप। अद्भुत है ये शालीनता, अद्भुत है खानदानी। अल्लाह करे ये खानदानी कायम रहे, अल्लाह करे ये एकता, ये निजता दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। मुझे लगता है मैं ज्यादा बोल गया, लेकिन मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और श्लोक को लोक तक उतारने की उर्दू भाषा के माध्यम से ये जो जमजमी गंगा होती है आपके दिमाग से उसका मैं आचमन करने। ये काल क्या है, संध्या का समय, 6-7 बजे का समय, हमारे सनातन धर्मावलंबियों को संध्या का समय, हम इस समय संध्या पूजा यज्ञ जो जो करते हैं वो करते हैं। आज मैंने 3 बजे संध्या, 4 बजे ये संध्या का समय, संध्या का वैदिक परंपरा के अनुकूल समय नहीं है, लेकिन तब मैंने क्योंकि मैंने मेरे मन को समझाया कि अनवर साहब के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, वो भी तो मेरी संध्या है, तो मैं यहाँ मेरी संध्या पूजा करने के लिए आया हूँ। मेरी संध्या इस महफिल में आकर हुई है, इसमें इसकी मुझे बहुत खुशी है। पहली बार मैंने जो डेट दी थी किसी कारणवश होंडा की कथा में परिवर्तन हुआ और मुझे तारीख बदलनी पड़ी, आपने बड़ी विनम्रता से पूरा कार्यक्रम मेरे कारण बदला और कहा कि बाबू जब दूसरी बार आप आए तब कर देना। ये प्रेम कर सकता है, ये मोहब्बत कर सकता है, मजबूरी भी कर सकता है, ये मोहब्बत का, इसलिए आखिर में एक शेर कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि बहुत अजीब है ये सिलसिला उसकी मोहब्बत का, बहुत अजीब है ये सिलसिला उसकी मोहब्बत का, न उसने कैद में रखा पर न हम फरार हो गए।